क्योंकि मुझे पूरे परिवार में आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा क्या कामयाब होना चाहते हो। मुझे जो भी करना था, हाँ गाली देने के लिए या गलती निकालने के लिए पूरा काम आ जाता है, लेकिन आपको भी पता होता कि आप जिंदगी में कैसे खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन्नति के राह पे चले जाते हैं। कोई है आपके खानदान में ऐसा जो आपको इंटरेस्ट लेके आया हो? नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाते, लेकिन इंस्पायर करने के लिए नहीं आते। एक्सपायर करने के लिए तो पूरा गांव बैठा है। हो सकता है कि अभी सेमिनार खत्म हो, आप फुल खुश हो, एकदम मूड में हो और आपने कोई फैसला कर लिया तो मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका स्वागत किया जाएगा अभी घर में। क्या आ गए सेमिनार में? और पूरे दो घंटे का सेमिनार, वो उनकी उनकी इतनी मास्टरी है कि दो घंटे का सेमिनार वो सिर्फ एक डायलॉग से आपका मतलब पारा नीचे ला सकते हैं। हो सकता है कि वो डायलॉग भी ना बोले, खाली उनकी कातिल स्माइल ही आपको बिजनेस छुड़वा सकती है। मुझे उन लोगों से कोई धुना ही नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि चाकू धारदार होने के लिए पत्थर पे पीसना पड़ता है। अगर वो ऐसे धार पत्थर नहीं हो गए तो चाकू पीस नहीं पाएगा, अपनी धार दिखा नहीं पाएगा। तो जब मुझे उस व्यक्ति ने बोला कि सर कामयाब होना है, तो मेरा एक छू ले करना कि नहीं करना, ये फैसला हमेशा मेरा रहेगा। बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइम दिखा देती है। चलो जाके देखते हैं, देखने में क्या जाता है, घर पे रह के तो हम प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। तो जाके देखे, जब मैंने प्रोग्राम देखा और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बातचीत किया, और थैंक्स टू गॉड, मैं तो लिटरली बोलता हूँ, मेरे साथ तो बराबर जबरदस्ती हुई कंप्लीट। और जबरदस्ती दादा, लेकिन मेरा एक आदत है कि बाल की पूरी खाल खींचने का। उसने बोला इसलिए नहीं कर रहा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग नामक ये वाकई में बिजनेस है कि नहीं है? मेरे मन में बहुत सारी धारणाएं थी, गलतफहमियां थी। वो धारणाएं मेरी दूर हुई। मैंने वेबसाइट के ऊपर इतना अध्ययन किया, देखा कि ये तो बहुत पुराना बिजनेस है, कम से कम 100 साल पुरानी इंडस्ट्री। और जब मैंने इसके बारे में समझा, मेरा विश्वास और बढ़ता गया। मैंने काम तो कंपनी के साथ मैंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं दूसरों से कैसे बात करूं। लेकिन जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मेरा विश्वास बढ़ता गया, और आज मुझे इस चीज का गर्व है, थैंक्स टू गॉड कि मुझे इस इंडस्ट्री से अवगत कराया। और पिछले 20 साल से मैं इस लाइन में हूं। मैंने सब कुछ करके देखा, नौकरी भी करी, सब कुछ कर रहा हूँ। आज हमारी कंपनी की दूसरी कंपनी है, फ्रेशो हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें भी मैं बैठता हूँ। लेकिन जो मजा इसमें है ना, उधर कहीं है। सच में मैं इसके लिए पागल हूँ, दीवाना। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि यहाँ जो सीखने को मिलता है, यहाँ जो मेंटल ग्रोथ होता है, वो तो दूसरी जगह पे होने का चांस ही नहीं। इतना सीखने को मिल रहा है, और उससे बड़ी दौलत नहीं है, क्योंकि पैसे का कोई गारंटी नहीं, आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आप काबिलियत वाले व्यक्ति हो, आज सलमान खान 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। 0, लगीता बच्चन 0 हो जाए, टेंशन नहीं है, 2 हिट फिल्म करेगा, वापिस मुकाम पकड़ लिया, क्योंकि वो व्यक्तित्व धारण कर चुका है। तो इस बिजनेस से आपको वो चीजें मिलती है, व्यक्तित्व धारण करने को होता है। आज लोगों का जिंदगी पूरा हो जाता है, गाड़ी नहीं ले पाते। अगर मैं इनसे बोलूं कि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपया है, आप सोचिए कि अगले 5 साल में सर आपकी गाड़ी आने वाली है, ये यकीन करेगा? उसको बोले सर पॉसिबल ही नहीं है, आप 10,000 में गाड़ी आएगी नहीं सर। गाड़ी पॉसिबल है 10,000 में, 20 में भी डेयरिंग नहीं करेगा, थोड़ी सी भी डेयरिंग करे तो पेट्रोल हिम्मत तोड़ देता है, और थोड़ी जाए और गलती से शादी हो गया
तो पूरा हिम्मत ही गायब हो जाता है। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने बहुत कुछ लाइफ में इसका, इस बिजनेस का पावर है, कुछ ऐसे तथ्यों, मैंने सारे तथ्यों को तो डिस्कस नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, गाड़ी नहीं ले पाते, घर नहीं ले पाते। आज संजय चौधरी यहाँ पे जो बैठे थे, मुझे आज भी वो दिन याद है कि आज से 15 साल पहले किस तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ और आज संजय चौधरी कितना सीख के आगे बढ़े हैं और आज उनका खुद का घर है और आज कम से कम ये उम्मीद है, आज ना भी हो 1 करोड़ का मकान उसके पास, आज ना भी हो लेकिन डेयरिंग कर सकता है, डेयरिंग करने का लाइसेंस है इसके पास कि सर कल मैं लूंगा, लेकिन जिसकी तनख्वाह 10,000 की है क्या वो डेयरिंग कर सकता? वो तो सपने देखने की भी डेयरिंग नहीं करता, जो फ्री में है उसको मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, ये तो साइकिल लेके अमेरिका जाने जैसी बातचीत हो गई। कुछ तथ्यों में आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये तथ्य जो है डायरेक्ट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करते हैं। ऑक्सीलाइन, कुछ क्वेश्चन है जैसे डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, क्या आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो फैमिली में अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी फंड है, 2 लाख है, 5 लाख, कितना आपके पास धन है कि अगर कल से आपके घर पे इनकम बंद हो जाए तो आप जो घर का माहौल है सही सही रहेगा, कितने दिन तक रहेगा सही से, क्या आपने अपने सपने पूरे कर दिए हैं। अब एक सवाल पूछिए अपने आपसे, आप क्यों आए पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और खाना खाने और सोने के लिए, ये तो गली का कुत्ता भी कर लेता है, उसको उसको कोई चिंता नहीं है, तो आप ऐसे इंसान के तौर पे आप आए क्यों हो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, सिर्फ सोना, आपके पास ऐसा एक चीज है जो ईश्वर ने दिया है आपको और किसी को नहीं दिया है, वो है बुद्धि। मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बुद्धि के साथ पृथ्वी के ऊपर भेजा है, बाकी किसी प्राणी के पास बुद्धि नहीं है, वो फैसला कर सकता है कि करूं कि ना करूं। आर यू लिविंग द टेंशन फ्री लाइफ, क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो, टेंशन फ्री लाइफ, ढेरों टेंशन रहते हैं, आर यू लिविंग लग्जरियस लाइफ, क्या आपके पास एक लग्जरियस लाइफ है जिसमें कार हो, अच्छा घर हो, अच्छी बैंक बैलेंस हो, बचता ही नहीं, बैंक बैलेंस कैसे होगा। आर यू सेटिस्फाइड विद योर रूटीन लाइफ, आपका जो भी रूटीन लाइफ है जो आपके जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, क्या उससे आप खुश हैं, क्या आपने अपनी जिंदगी में पास्ट में कोई अचीवमेंट किया है, हाउ मेनी ड्रीम्स हैव यू कंप्लीट इन द पास्ट लाइफ, कितने सपने पूरे कर लिए, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपके जीवन का मकसद क्या है, क्या आप सबसे ज्यादा समय अपने फैमिली मेंबर के साथ बिताना चाहते हो, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम के साथ अपने हॉबीज को पूरा करना चाहते हो, क्या आप बहुत सारे मित्र बनाना चाहते हो कि एक अजनबी हो, अपने ही घर में कई बार लोग गुम हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारे सवाल हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ करना चाहिए। पावर फ्रेंचाइजी, आज अब आपको मैं कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूं, ये बिजनेस का पावर बताता हूं, करना कि नहीं करना ये फैसला आपका रहेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी लोग किस बिजनेस में हैं, वो फ्रेंचाइजी के मॉडल में है। आज 90 अगर 100 में से 90 लोगों की बिलियनियर की बात करूं तो उन्होंने अपने समय को मल्टीप्लाई किया, टाइम को कंपाउंडिंग किया, और आप देखिए कि हर चीज की एक फ्रेंचाइजी है, आप देखिए पिज्जा की है, KFC की है, जो अपने एरिया में भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ठीक है, पापा जॉन्स है, जो आपने नाम भी सुने होंगे,
पेप्सी कोका कोला, ठीक है, इट्स अ बिगर एवर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। अब ये गुजराती समझ चुके हैं इस मॉडल को। पहले ऐसा लाइन लिखते थे हमारे निजी कोई शाखा न थी, तो आ तारो प्रॉब्लम छे आ जेली शाखा छे आ जाऊ। ये लिखने में वो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता था कि हमारी कोई दूसरी शाखा ही नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज शाखा होना गर्व नहीं है कि आप कहीं भी चले जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाए, हमारी हर जगह शाखा है दोस्तों। क्योंकि उनको समझ आ गया कि बड़ा आदमी बनना है तो फ्रेंचाइजी सिस्टम में आना पड़ेगा। डू यू नो व्हाई ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, ये गुरु मंत्र है, पैसा कमाने का गुरु मंत्र है ये। टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू मनी। जिसके भी मन में ये सवाल है कि सर पिछले 10 साल से मैं बराबर मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरे घर के अंदर आमदनी नहीं बढ़ रही, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, ऐसा एहसास हुआ है आपको कभी कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है? तो इसका कारण एक ही है, इसका जवाब एक ही है कि टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू मनी। आपके पास समय 8 घंटा है, रेट जो है आपका सपोज कि रोज का 1000 रुपया है, आप 25 दिन काम करते हैं, आपका पगार 25,000 है। अब आप सोचते हो कि 25 का 50,000 हो जाए, पहले तो ये आपके हाथ में नहीं है, आपके सोचने से कोई होगा नहीं। और दूसरी बात, किसी भी बॉस ने इसलिए कंपनी नहीं खोली है कि आपकी तिजोरी भर दे, वो आपको इसलिए रख रहा है, आपको इसलिए रख रहा है क्योंकि वो अपना तिजोरी भर सके, है कि नहीं? ये सत्य है। क्योंकि मैं जॉब का जन्म क्यों होता है, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट में एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मल्टीपल लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। जो लोगों को सिक्योरिटी चाहिए वो जॉब की तरफ जाते हैं, जिसको आजादी चाहिए वो बिजनेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। और गरीब लोगों की सिक्योरिटी भी गरीब जैसी होती है, जिसकी आमदनी ही 25,000 हो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी, क्या होगी? 8-10-5 लाख, मुश्किल से 10 लाख का इंश्योरेंस होता है। क्या वो 10 लाख से तुम्हारा खानदान जी लेगा? महंगाई के सामने टिक पाएगा? वो कोई सिक्योरिटी नहीं। बैंक बैलेंस ही तुम्हारी असली सिक्योरिटी है। सोचो बैंक में अकाउंट में 5 करोड़ पड़ा हो, वो असली सिक्योरिटी है। मरने का भी आनंद है। टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू मनी। तो जॉब पे क्या होता है कि आदमी को या तो तुम टाइम, अब टाइम तुम बढ़ा नहीं सकते, 8 घंटा काम किया या 9 घंटे काम किया या 10 घंटा काम किया, इससे ऊपर कितना कर लेगा आदमी? कई कई बार वो दो दो नौकरी करता है, उसको मालूम हो गया मेरा रेट इतना ही है, रेट नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं बीकॉम हूँ, एमकॉम हूँ, पीएचडी हूँ, जो भी है उसका एक रेट है, ग्रेजुएशन का एक रेट है क्या नहीं रेट? तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। बाजार वैल्यू क्या है? बीकॉम की बाजार वैल्यू क्या है? एमकॉम की बाजार वैल्यू क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या नाम आपका? जिग्नेश जी, आप बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं? 12th वाला आदमी अगर बाजार में उतरेगा कितना पगार मिलेगा अंदाजन? 8-9 हजार, ये बेसिक है। अब ये सवाल है कि 12वीं कक्षा की कीमत 8-9 हजार है, वैसे ग्रेजुएशन का भी इतना ही है सर, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी इतना है, इंडिया है तो ऐसा ही चलता है। ग्रेजुएशन की कीमत 10,000 रुपया है, लेकिन मैं ये पूछता हूं जिग्नेस की क्या कीमत है? तो समझ आ रहा है? ग्रेजुएशन की तो 10,000 मान लिया, लेकिन जिग्नेस अमूल्य। जब आप डिग्री को देखोगे ना तो आप हमेशा ही खुद को सस्ते में बेचोगे, लेकिन जब आप खुद को देखोगे कि मैं चाहे ग्रेजुएशन हूं लेकिन मैं 10,000 के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं 1 लाख के लिए पैदा हुआ हूं, मैं 10 लाख के लिए पैदा हुआ हूं, तो रास्ते तुम्हें खुद ब खुद मिल जाए। क्योंकि तो भगवान का हाथ हमेशा ऐसा होता है। आप जाके बोलेंगे सर 10 का 20 कर दे, वो बोले हो जाए, तो बोलेंगे 10 का 10 का दम कर
पहले 10 लाख दे दे, बोला वो भी हो जाए, उसका हाथ कैसा? अब मानते ही बहुत कम हो, है कि नहीं? आपकी सोच कितनी है? 10% इंक्रीमेंट कर दो, दिवाली के बोनस दे दो, तेरा बोनस तो तेरा बीबी एक दिन में उड़ा देगा। मांगना है तो ऐसा मांग कि तू बोनस दे, तू दे सके ऐसा मांग, क्योंकि लेने वाला हमेशा गरीबी रहता है। टाइम इनटू रेट, अब जॉब के अंदर क्या हुआ, घंटे बढ़ा नहीं सकते, रेट मेरे हाथ में नहीं होता, बॉस नक्की करता है बाजार वैल्यू। अब मैं ग्रेजुएट हूं, मैं बोलूंगा मुझे 1 लाख दो, कोई देगा? नहीं देगा, इसलिए इसका इनकम फंस गया। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये सपोज कि ये रिमोट है बिजनेस में, चलो गोल्ड का बात कर लेता हूं, गोल्ड का रेट अभी लगभग 50,000 का चल रहा है, 50,000, क्या मैं उसको 60 में बेच सकता हूं? बाजार वैल्यू 50 की है, इंटरनेशनल रेट है 50,000, तो बिजनेस में क्या रेट था, रेट फिक्स हो गया। इसलिए दोनों में से किसी एक के अंदर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक डॉक्टर है कि एक पेशेंट को देखता है, उसने अपना रेट फिक्स किया कि मेरा हर नए केस का 500 रुपया, पुराने का 300, लेकिन वो एक दिन में कितने मरीज दे सकते हैं, 10, 20, 30 गेम ओवर, 40 गेम ओवर, 50 गेम ओवर। इसलिए आपका इनकम रुक जाता है, और जो भी अमीर लोग हैं वो दिमाग लगाते हैं और टाइम और रेट। रिलायंस ने क्या किया, रेट फिक्स है 300 रुपये का, लेकिन उसने नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिया, 120 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों ने अगर उसका कार्ड ले लिया तो 80 करोड़ इंटू 300 कितना पैसा हुआ? चौबीस हजार करोड़। और हर महीने, इसलिए उसका घर इतना बड़ा है। आपको आपकी कमाई 8 घंटे के हिसाब से, लेकिन एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉई है और वो 8 घंटे काम करते तो मालिक रोज का 800 घंटे काम करता, जबकि वो आता भी नहीं। एक मालिक गाड़ी में जाता है और उसी एम्प्लॉई, उसी कंपनी का एम्प्लॉई जो होता है साइकिल में जाता है, क्योंकि उसकी आमदनी 8 घंटे के हिसाब से है और मालिक की 800 घंटे के हिसाब से, है नहीं? ये मौका आपको ये बिजनेस देता है, ये बिजनेस आपको ये मौका देता है कि आप जो है रेट फिक्स है, चारकोल फेस वॉश का रेट फिक्स है, साबुन शैंपू फेस वॉश जो भी आप यूज करते हो उसका रेट फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेल है ये। मोस्ट पीपल ट्राई टू इंक्रीज द रेट, और बहुत सारे लोग रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं या एक्स्ट्रा नौकरी करते हैं और ये चालू रखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं उनके पास टाइम तो लिमिटेड है, इसलिए एक दिन कहीं ना कहीं इसकी गेम फंसती है और इनकम नहीं बढ़ पाती। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते जा सकते हो, कितना, जितना आप में दम है। कंपनी का कोई पाबंदी नहीं है, आप यकीन मानिए किशन के आप कंपनी के पार्टनर हो, आप 10 लाख का धंधा दीजिए, रेट भी फिक्स है, आपको कितना मिलेगा सब कुछ पहले से डिमांड प्रिंट होके आपके हाथ में है, आपको पता होगा कि अगर मैं इतना धंधा दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको पता है कि संसार में टाइम लिमिटेड है, एक आदमी पूरे जीवन काल के अंदर काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे है, बस रोज का 8 घंटा, 40 साल, 365 दिन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने घंटे है काम करने के। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते है इस समय का उपयोग करने का, वेस्ट कर दीजिए, कुछ भी मत करें, वेस्ट करें, पढ़े रहे, घूमते रहे, चौरा पे ही रहो। दूसरा है
बेच लीजिए, आप किसी को बेचिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एमकॉम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, फलाना है ढिमका है, आप मेरे को खरीदिए सर, मैं 25 में रेडी हूं। हाँ ये सत्य है। फिर वो आपको लेके जाता है, अप्रूवल दे 25 दिया, आपको ये काम करना क्योंकि आपने बोला बेचना है। तीसरा रास्ता है इन्वेस्ट करना, जिस बिजनेस के माध्यम से आप अपने समय को इन्वेस्ट कर सकते हो। कि आज मुरुगेश चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, आज से 15 साल पहले जब वो पढ़ाई करता था अहमदाबाद में, तब वो मेरे को मिला था वहां पर, सही है। पढ़ाई एमबीए का उसका इंटर ग्रेजुएशन भी चालू था और साथ में हमारे साथ लगा हुआ था। तो जब वो पढ़ाई किया था उसने नेटवर्क बनाना शुरू किया, आज उसका बिजनेस पूरे इंडिया में फैल चुका है, शायद फॉरेन तक भी उसको भी मालूम नहीं होगा और मुझको भी नहीं। लगभग पिछले एक महीने में मैं 7 कंट्री में माल भेज चुका हूँ। अब मालूम नहीं साउथ अफ्रीका का किसका ऑर्डर आया हुआ है, गिरा है वो बन रहा है, कागजी कागज का काम हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, कितना टीम है सर आपका? 26,000, 26,000। और क्या ये 26,000 लोगों को जानता है? कोई यहां बैठा हुआ है, अब कोई अभी ना आ रहा है शैंपू से, उसमें जो झाग निकल रहा है तो उसका पैसा निकल रहा है। वह परफ्यूम लगाया ऐसे, मतलब इसको पैसा आने, आप बात समझ रहे हो? हम ऐसी प्रोडक्ट में है, एसेंशियल का मतलब है जरूरियात, इसके बिना तुम नहीं रह सकते। तुम बिना नहाए कितने दिन रह सकते हो? अभी सामने वाला बोलेगा सर तुम्हें गिर जाता था। शैंपू के बगैर, टूथब्रश के बगैर, साबुन के बगैर, इन चीजों के, हम एसेंशियल चीजों के साथ डील करते हैं जो रूटीन में है। काम बस इतना है कि लोगों को यह समझाना है। आपका नाम क्या है? ज्ञानी। नाम तो बड़ा जबरदस्त रखा है। ज्ञानी जी बताइए, अभी तक आप कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन गया? अब देखिएगा कितना उम्र हो गया, 28 साल से ये कॉलगेट इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यह है कि आप कॉलगेट क्यों यूज कर रहे हो? नहीं पता है? मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। जब मुझे पता लगा, बस इतना ही करना है कि बिना किसी कारण से आप 28 साल से घिस रहे हो, अगर मैं कारण दे दूं तो कि क्यों इस्तेमाल करना है चारकोल टूथपेस्ट, असली कोयले से बना हुआ, असली चीजों से बना हुआ, और कॉलगेट कंपनी फॉरेन की है, ये इंडिया की है, और साथ में अपना कैरियर कर सकते हो, पैसों का बचत हो सकता है, और हम अपने कंट्री को, इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं, और हजारों रोजगार उत्पन्न हो सकती है खुद को और दूसरों को। तो ये बोलेंगे ठीक से, कल से कॉलगेट पर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, बस इतना ही, ये धंधा चालू हो गया। लोग मालूम नहीं लक्स क्या कैसे, लक्स क्या कैसे, टीवी में भी चोपड़ी बजा रहे हैं, ये तो भूली भी गए, तो है ना आज की 10 वर्ष पहले नहीं दी, पची ये भूली भी गए, અને એ વાપરતી બી નથી, તો તમારા માટે જ ખાલી બતાવ્યું છે, એની બ્રાન્ડ અલગ છે। 10 રૂપિયાના આબુમાં તમે હું આપશો મને, કહો હું આવતો છે અંદર, એમાં બધાનું કમિશન પાછું, હે 60 રૂપિયા દૂધ હોય અને તમે 200 ગ્રામ દૂધ લઈને આખું ઘર ચા પીવે તો અમેઝોન એ લોકો હું પીવે। हमारे गांव में ना मेरा दोस्त था, वो 250 ग्राम दूध लेता था और बातें इतनी बड़ी बड़ी, वो आगे बोलते हमारे घर में तो सब कॉफी पीते हैं। ना पता लोग वो जिन्हें 250 ग्राम में कितनी कॉफी था यार, हाँ खाली कॉफी हुंदा से। चलो अच्छा है, कारण के साथ बिजनेस शुरू हो सकता है। टाइम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि रेट फिक्स है, प्रोडक्ट का रेट फिक्स है, लेकिन टाइम भी, आज उनका 26,000 का है, कल को 26 लाख हो जाए,
और ऐसा इतिहास में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि आज की तारीख में सूरत के अंदर एक लेडीज है, 30 साल पहले उस लेडीज ने काम चालू किया और आज उसकी महीने की इनकम 1 करोड़ है। ऐसे लोग हैं कि जो पृथ्वी थर्ड जनरेशन आ गई, कि दादा ने काम किया था उसका फायदा पोते को मिला। आज मैं चाहे कितना भी बढ़िया डॉक्टर हूं, लेकिन अगर मेरा बेटा डॉक्टर नहीं है, मेरे जैसा व्यवहार नहीं करता, रेट नहीं लेता, बुद्धि नहीं दिखाता, ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो मेरी कुर्सी नहीं संभाल सकता, संभाल सकता है ना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बंद होते थे और कुछ तो देख रहा हूं कि आप अच्छे लुच्छे हो ना, उसका मैं सल्यूट मारता हूं उस डॉक्टर को, इट्स ग्रेट जॉब, लेकिन उसकी उम्र हो गई है, शेर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन ये बिजनेस व्यक्ति ओरिएंटेड है, सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है। व्यक्ति गया, गेम खलास। 40 साल की तपस्या, एक आदमी, क्या नाम आपका भाई? साहिल। साहिल ने 40 साल जबरदस्त नौकरी किया, 40 साल के बाद रिटायर होगा तो क्या अपनी पोजीशन अपने बेटे को दे पाएगा? ना। बेटे को भी दोबारा पहले साल से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये गेम एक स्टेप ऊपर है। 40 साल तो करने की जरूरत नहीं, पहले तो 5-10 साल में निपट जाता है, बाद में टाइम पास करना है, क्योंकि घर पे करेगा क्या, सवाल तो ये घर पे करेगा क्या, क्या इतना बढ़ चुका है, निकाले कहा टाइम मल्टीप्लाई होगा, रेट फिक्स रहेगा। पावर ऑफ नेटवर्क, एक स्टोरी है, यहां पे आज नहीं दिखाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप संपर्क करिएगा जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, कि एक दो लड़के ने काम शुरू किया। एक आदमी डेली 8 घंटे की नौकरी करके घर पे जाता, दारू वारू पीता और सो जाता, खाना खा के सो जाता, और दूसरे ने नौकरी से आने के बाद 4 घंटे काम किया पाइपलाइन बिछाने का। उसने बोला मेरे गांव में पानी की किल्लत है, आज से कई सालों के बाद जब मैं थोड़ा शरीर में जान नहीं रहेगी, उनका काम था कि वो बगल वाले गाँव से पानी लाते, इस लड़के ने 4 घंटे डेली थोड़ा 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 करके पाइप डालता गया, और 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि पाइप पूरा बिछ गया और पानी आना शुरू हुआ। इसने अपना नौकरी छोड़ा और गांव वालों को बोला पानी ले जाओ, 10 रुपया बाल्टी। आदमी रख लिया, आराम से मस्ती से खूब पैसा कमाया, बड़ा आदमी बन गया, फिर उसने घर भी लिया, गाड़ी भी लिया, सब आता है बाद में। और जो आदमी डेली मजे करता था, 20 साल के बाद अब हड्डी में जान नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, अब धीरे धीरे दारू भी छोड़ना पड़ेगा। ये स्टोरी का है कि आप जिंदगी में दो ही काम कर सकते हो, या तो पाइपलाइन बिछा सकते हो या बकेट बाल्टी उठा रहे, दो में से एक ही काम होगा। अपने आप से सवाल करें कि आप कौन सी गेम पसंद करोगे, बाल्टी उठाने वाली या पाइपलाइन बिछाने वाली। अमीर लोग हमेशा पाइपलाइन बिछाते, एक बार उन्होंने 24,000 करोड़ का खर्च कर दिया रिलायंस वालों ने, 10 साल जमीनें खोदी, 10 साल उनको कितनी पेनल्टी लगी होगी, लेकिन 11 साल जब माल कमाया तो लाइफ जिंदा लाला हो गया, और ऐसा करिश्मा हुआ कि जितने भी छोटी मोटी कंपनी थी, बड़ा फंड जितने भी थे, सब पूरे पूरे टेंशन में आ गए, जियो के सामने कोई जी नहीं पा रहा है, सब दम तोड़ रहे, आपस में मिल रहे हैं, मर जाएंगे, इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे लेकिन सेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो इतना सस्ता फेंक रहा है और इतना इनको परवड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इसने क्या किया, 10 साल जब वो 10 साल मजे कर रहे थे तब ये 10 साल तपस्या लगा रहा, जब बारी इसकी आई बाजीराव सिंघम हो गया, फिर काय अंडरस्टैंड द मनी ट्रैप, पुअर पीपल गरीब लोग समय को बेचते हैं और अमीर लोग समय को खरीदते हैं, ये हालत है। अगर पैसा का पोटली उठाया तो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड देयर इज नो टाइम नो मनी एंड सिक्योरिटी। देखिए
अगर आप पार्टी उठाने वाला कार्यक्रम करेंगे जिंदगी में, तो न तो आपके पास समय होगा, न तो आपके पास पैसा होगा, और न तो कोई सिक्योरिटी होगी। इसलिए जीवन भर टेंशन ही टेंशन रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द एंड ऑफ द एवरी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन के अंदर एक दिन जो है बकेट सूख जाती है, लेकिन जिस काम से आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, तो ये इतना लंबा पाइपलाइन एक दिन का काम नहीं है। बाद में इतना ही खूबसूरत लगता है, और पानी का सप्लाई होता है, और ऑटो पायलट सिस्टम होता है। आज आप कोको कोला पी लिए, आपने 10 रुपए का कोको कोला पी लिया, उसका मालिक मालूम नहीं कहा है, लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया गिर गया। ऐसे इनके ग्रुप लेकर के पूरे विश्व के अंदर डेली पता नहीं कितने कोको कोला लोग पी रहे और वो कमा रहे, क्योंकि उन्होंने क्या बिछाया है, पाइपलाइन। समझिए, चेस के गेम की अगर मैं बात करूं, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है चक्रवृद्धि ब्याज। आप चेस के गेम के अंदर पहले खाने में एक चावल का दाना रखिए, फिर दूसरे में दो, तीसरे में तीन, ऐसा डबल करते जाए ना, तो आखिरी 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 जो चेक्स है उस तक पहुंच भी सकते। डबल 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 इतना कारगर हो जाता है। ये भी एक स्टोरी है, लेकिन समय इतना नहीं है, कि एक राजा के चेस गेम का आविष्कार हुआ। जब आविष्कार हुआ तो वो राजा के पास गया कि राजा जी, तुम्हारे लिए एक जानदार और शानदार गेम का आविष्कार किया, आप इसको खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। इसमें आपको इसलिए मजा आएगा, आप राजा हो, रानी है, घोड़े है, हाथी है, उसका मेरा पूरा जिंदगी इसमें आ गया, बहुत शानदार गेम है ये। बोल, मैं खुश हो गया, क्या लेगा तू? इनाम के तौर पर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हर बॉक्स में एक चावल का दाना दूसरे में डबल करते जाओ, बस इतना ही चाहिए। राजा पागल था, उसको मालूम नहीं था कि चावल के चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत क्या है। उसने बोला डन, एग्रीमेंट साइन, दे दो। फिर जब काम शुरू हुआ तो लगभग अभी आधे तक ही पहुंचे थे, तब तक राजा उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे, मुझे समझ नहीं लगी चक्रवृद्धि ब्याज की, अब मेरे पास तेरे को देने के लिए अनाज नहीं है, मेरे सारे गोदाम खाली हो गए। पूरा जिला पता नहीं कितना तक कवर कर लेगा, आप गिनती मान लेना घर जाके। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये पूरी स्टोरी है। चालीस साल वर्सेस 4 साल का, आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं कि 40 साल काम करना या 4 साल काम करना। 40 साल के बाद तो 20 साल 20 ईयर लाइफ स्टार्ट और 60 में खत्म, तो 40 साल तक आप मजदूरी करोगे। ठीक है, 10,000 से काम शुरू होगा और 40 में खत्म। आपको लगेगा 40 का 10 का 40 हो गया, लेकिन 60 में महंगाई भी तो हो गया, वो दिक्कत 40 है, लेकिन सुख मात्र 10 का ही, और 10 का भी गारंटी नहीं। आजकल पगार आता है 2 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को, और 11वीं तारीख को तो माइनस भी होता है। थोड़ी देर के लिए मैसेज आता है, खुशी मिलती आ गया, फिर दूसरा मैसेज आता है, ये कट गया, फटाफट 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 फटाफट, लास्ट में उसको लगता है मुझे काट दो। एवरेज इनकम अगर पर मंथ गिनू तो 20,000 रुपया है, पूरी जिंदगी में वो कहां कमाएगा, 1 करोड़ के करीब करीब पूरी जिंदगी में। लेकिन इतना कमाने के बाद भी उसकी बेच में 5 रुपया भी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं? जस्ट डुप्लीकेट। आप अपने जैसे बस एक सेल्स लोग जो हमारे जैसे बिजनेस करना चाहते हैं उनको डुप्लीकेशन करेंगे, और आप उनकी शक्ति के माध्यम से, लिवरेज की शक्ति के माध्यम से, आप एक एक्सपोनेंशियल, ये जॉब जो है ऐसा ग्रोथ करता है, और बिजनेस में आप ऐसा ग्रोथ करोगे। इस बिजनेस के माध्यम से आज हमारी कंपनी में रुगेश चौधरी जी है, अगर मेरी गिनती गलत नहीं होगी तो आई थिंक 1 ईयर तक पहुंच गए होंगे। 1 करोड़ रुपीज, मुझे बताइए कौन सी जॉब से किसी ने इकट्ठा किया, पॉसिबल है? 50,000 की नौकरी वाला भी 1 करोड़ इकट्ठा कर सकता है? थोड़ा इकट्ठा होता है, 2-3 साल में डॉक्टर एक ही बार में ले लेता है। हम सोचते हैं मैं बीमार है, लेकिन घर में
माँ बाप है, बच्चे है, बीवी है, दूसरे लोग है, कोई भी बीमार हुआ डॉक्टर पर, इस कोरोना में ना लोगों के आदमी चले गए, साथ में जो बचा कुचा पैसा था ना वो भी घर चला गया गया ना, दस दस बीस बीस लाख के बिल भी है, अपने परिवार को बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, थोड़ा बहुत बचाया होगा एक एक पीढ़ी का उंगलियां सटा के, इसलिए जिंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहिए, ये वाला ग्रोथ। आप फैसला करो कि आपको कौन सा चाहिए। आप मुझे बताओ आपने स्कूल में होशियार कौन है, टीचर है होशियार कि इस स्कूल का मालिक होशियार है, मालिक तो दसवीं पास है खाली, उसके पास खाली पैसा है बस, वो स्कूल बना दिया, दस पंद्रह टीचर ले लिया, आपको पढ़ाता कौन है, टीचर होशियार कौन है, टीचर, लेकिन पैसा किसको कम मिलता है, टीचर को, लेकिन ज्यादा किसको मिलता है, स्कूल को। आज ये जो नाम लिखा है ताप्ती वैली इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल की फीस है पहले स्टैंडर्ड के बच्चे की 2,00,000 रुपया साल की, आप समझिए एक बच्चे की बोल रहा पहले स्टैंडर्ड, महंगाई साथ साथ में, अंडरस्टैंड करिए, टीचर ज्यादा नहीं कमाता, स्कूल के मालिक ज्यादा कमाते हैं, डॉक्टर ज्यादा नहीं कमाता, हॉस्पिटल का मालिक ज्यादा कमाता है, होशियार कौन है, डॉक्टर, पढ़ाई कौन करता है, डॉक्टर, मेहनत कौन करता है, डॉक्टर, माल कौन कमाता है, मालिक, ठीक है, इंजीनियर कमाता नहीं है ज्यादा, ज्यादा कौन कमाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कि L&T, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बाजार में चल रही है, इंजीनियर ज्यादा नहीं कमाता, पढ़ाई कौन करता है, मेहनत कौन करता है, कमाता कौन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अब फैसला देखो, गरीब का प्रॉब्लम है, गरीब के पीछे कोटला होता है, अमीर के आगे कोटला होता है, इसका पेट बड़ा होता है, ठीक है, वो कोटली लेके घूमता है, मेहनत करता है, कोटली लेके घूमता है, आप फैसला करो कौन सी पोटली चाहिए आपको। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, पर हमारे धंधे में तो रिस्क है ही नहीं। आपने क्या करना है, आपका इस महीने का राशन पानी जो है, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट जो आप बनिए की दुकान से लेने वाले थे, बाजार में कहीं और से लेने वाले थे, बस वो सामान आपको ऑक्सीडेंट से लेना है, जो पैसा दिया बदले में आपको सामान मिल गया, अच्छी क्वालिटी का सामान मिला है आपको, क्या क्वालिटी है वो आपको बताइए, सब कुछ इस हाई क्वालिटी का माल मिल गया आपको तो बिजनेस तो फ्री है, बिजनेस के लिए आपको कुछ नहीं लगा है, कितना शानदार बिजनेस है कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों कमाने वाला बिजनेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, इन्वेस्टिंग आप देखिए मैकडोनल्ड्स आज पूरे विश्व के अंदर इसकी 26,000 से ऊपर फ्रेंचाइजी है, और एक फ्रेंचाइजी डालने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया चाहिए मिनिमम बोल रहा हूं, क्या है ये आदमी को मर गए आज कई साल हो गए, लेकिन आज भी जब विश्व में सबसे अमीर लोगों का नाम आता है तो इसका नाम आता है, KFC, आदमी मर चुका है लेकिन मरा हुआ आदमी टॉप 10 में नाम आता है, और हम जिंदा हो गए अपने गांव तक भी नाम नहीं लेके पा रहे, गांव तो छोड़ो घर में भी नहीं, गांव में छोड़ो, आप अपने अपने घर में हीरो बन जाओ, अपने बेटे को पूछो कि तेरा हीरो कौन है, वो सलमान खान शाहरुख खान का नाम नहीं लेना चाहिए, वो बोलना चाहिए मेरा पापा है मेरा हीरो है, इतना कर लो बहुत है। डोमिनोस, बिग बाजार, डीमार्ट, पेप्सी, कोका कोला, वोडाफोन, जियो, ये सब क्या है, नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क बनाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और तुम्हें कुछ भी ऐसा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको खाली लोगों से, क्योंकि उनका सारा पैसा वो लोग देते हैं, और आप यहाँ जो मेहनत करते हो, आप लोगों से बात करते हो, उसी का पैसा, ये जो बचा हुआ पैसा कंपनी आपको दे देती है, हमारे लिए आप ही शाहरुख खान हो, आप ही मतलब करीना कपूर,
बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर रिटेंशन आप दीजिए, टाटा हर जगह पे है, टाटा को कोई कोई शर्म नहीं है, टाटा हर जगह फैला हुआ है, टाटा प्लेन बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, चाय बना रहा है, कॉफी बना रहा है, ऊंट ऊंट भी देखो ऊंट के साथ है, वो घूमने भी लेके जाता है, कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी में है, बैटरी में, हर जगह पे है, यहाँ तक कि टाटा जो है आपको यकीन नहीं होगी पानी भी बेच रहा है, टाटा को कोई शर्म नहीं है, वो सब्जी भी बेच रहा है, साइकिल भी बेच रहा है, सोना तो बेच ही रहा है, साइकिल भी बेच रहा है। और आपको आप राजा महाराजा हो इसलिए आप बोलते नहीं मैं नहीं बेच सकता, जो आदमी कुछ नहीं बेचता, ये बहुत गहरी लाइन है, समझना होगा बाद में डिटेल में मिलेंगे, जो आदमी अगर कुछ नहीं बेचता एक दिन वो खुद को बेचता है, क्योंकि बेचने से पैसा आता है और पैसा बैलेंस शीट में इन होता है, बैलेंस शीट के अंदर पैसा इन होता है, अगर आप कुछ ना कुछ आपको बेचना चाहिए, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका कुछ भी, कुछ प्रोडक्ट हो, कुछ भी बेचने, जो आदमी बेचने का कलाकार होगा उसके वहां पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जब तक खरीद के रहोगे गरीब ही रहोगे। अब देखिए आप बोले कि मेरे को 20,000 रुपए पकड़ आया, अब 20,000 लेके बाजार में गया, सब लाइन में बैठे हैं, बोले साइकिल लेना है, बोले साइकिल ले वाली 20,000 रुपए ना, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए साइकिल ले लिया, बोला सब बीबी ने बोला सब्जी ले लो, चाय ले लो, ये ले लो, बच्चा बोले एजुकेशन ले लो, इंटरनेट ले लो, जो बोले टाटा बोला जो बोले देंगे टेंशन नहीं, 20 की 20 मुझे दे दो। जहां गरीब खर्च करता है ना अमीर वहां धंधा करता है, ठीक है, सब बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, नमक भी बेच रहा है, 1 रुपए वाले से लेकर 100 रुपए वाला नमक भी बेच रहा है, उसको कोई शर्म नहीं, इसलिए वो रतन टाटा है और आपको शर्म आ रही है क्योंकि आप राजा महाराजा, बहुत आपको पैसे की जरूरत ही नहीं, आपको तो बस मजा आ रहा है। महंगाई की बात करो तो 1940 में घर का गुजारा 10 रुपए से चलता था, महंगाई बढ़ती गई 1960 में 100, आज घर का गुजारा 10,000 रुपए से मुश्किल से हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है, 10,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है, इतना तो बच्चे का ट्यूशन का फीस में चला जाता है। और 2020 में 1,00,000 रुपया आज घर, 1,00,000 रुपया भी आज सांस नहीं ले पा रहे, 1,00,000 तो आता है चला जाता है, सही बात है मुर्गे जी, 1,00,000 आया नहीं चला गया। लेकिन सोचिए आज आप सूट पहन रहे हो, टाई पहन रहे हो, सोचिए आप मुर्गेश जी आप सूट है, आज इस जमाने में कोई आदमी बिना कपड़ों का घूम रहा है वो कौन है, कौन है, वो कहां घूम रहा है, जंगलों में होगा, आदिमानव होगा कोई, अगर आप इस जमाने में भी अगर ऐसे ऐसे इनकम कमाओगे तो आप कौन हैं? इस महंगाई के जमाने में भी आपका ऐसा इनकम लेके घूमोगे उसमें भी माइनस में चल रहा है। और ये रुकेगा नहीं, भाजपा आएगा, कांग्रेस आएगा, या कोई भी अपक्ष आ गया, कोई भी आया, आप आया, कोई भी आया, ये रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। आज पानी फ्री में था लेकिन आज 50 रुपए लीटर तक पानी गया है, कल ये तुम्हारे बच्चे 200 रुपए में लेंगे, हो सकता है कि सांस लेने का भी पैसा चालू हो जाए अभी जो फ्री में, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी, बढ़ती ही जा रही है, क्या हो रहा है, एक दिन 10,00,000 रुपए चाहिए, ये रुकेगा नहीं। आपको आप देखिए एक क्या चित्र ध्यान से देखिए, जब वो ट्रॉली लेके आई एक एक करके चीजें निकल दी गई, घर जाए पता लगा कुछ है नहीं, ऐसा आज मिडिल क्लास और गरीबों का ये हाल है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल भरना है, फोन बिल, पहले फोन घर में एक था अब सबका अलग है, आपका बच्चा अगर 10 साल का हुआ ना तो डिमांड करता है पापा मारो फोन अलग आने, एक में दो सिम। चिल्ड्रन का, बच्चों का एजुकेशन का खर्चा, ट्रैवलिंग का, पहले तो क्या था हम तो 2,00,000 में ग्रेजुएट हो गए और इसका एक साल में लग रहा है,
बच्चे का, मतलब वो ग्रेजुएशन करेगा तो 1-2 करोड़ रुपए लग जाएगा, इतना महंगा आइटम रहेगा। ट्रैवल, म्यूनिसिपल, ग्रोसरी, जनरल, सब में ये सब जो खर्चे लिख दिए, ईएमआई है कि नहीं है, प्रॉपर्टी का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, ये सब इंश्योरेंस परमिशन पता नहीं क्या क्या है, कहां से बचेगा उसके पास, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जब मैं छोटा था तो मुझे आदमी लगे कि मेरी मम्मी ना मुझे 50 पैसा या 1 रुपया का सिक्का, कई बार नाश्ता में जाता तो कटोरी में 1 रुपया देख के बड़े खुश हो जाते, आज मजा आएगा, आज अपनी चीज लेंगे, आज भिखारी को दूं तो मैं गारंटी देता हूं इसमें से एक भी आइटम भिखारी को दिया ना। आप इसमें से एक भी आइटम, अगर आप टॉल टैक्स भी, आजकल 2 टॉल टैक्स चल रहे हैं है ना, 2 टॉल टैक्स है, मासी लोग वहां खड़े थे, कभी कभी लगता है 2-2 टॉल टैक्स कौन देगा, अरे चल रहे हैं। अब उनको अगर इसे दे दिया ना तो तुम्हें 50 का नोट दे दीजिए, बोला यार तेरा हालत तो मुझसे भी खराब है, तू ले जा। एक डायलॉग मार देगी अलग सा, महंगाई है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि 1 रुपया आज 2000, आज 2000 का नोट का इज्जत नहीं है, अगर जेब में 2000 का नोट है तो गर्मी नहीं मिलती है, मिलती है, पहले 100 का नोट होता तो ऐसा ताकत मिलता है, 100 आज 2000 के 5 नोट हो तो लगता है कुछ है, नहीं तो आवाज ही नहीं निकलती। ये महंगाई है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये 2 गेम है, आपको फैसला करना है कि कौन सी गेम खेलनी है। जब आपका इनकम यहाँ तक है और आप चाहते हो कि 10,000 का मैं 1 लाख करूं, तो यहां से यहां तक जाना है, इसलिए आपको तकलीफ तो होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सर मेरे खानदान में आज तक किसी ने टाई नहीं पहनी है, बहुत बढ़िया, तू बन। अगर ऐसी इनकम कमाना चाहते हो जो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं की, तो तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं की। और मेरे खानदान का मैं पहला आदमी हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, और ये भी सत्य है कि मैं पहला ही व्यक्ति हूं मेरे खानदान में कि जितना अचीवमेंट मैंने किया है उतना सदियों तक वो नहीं किए, जितना वो कमाए उतना मैं उड़ा दिया। वो सोच, वो सालों मेहनत करके वो कमाए होंगे, वो मैं उड़ा दिया, क्योंकि मुझे और डर है। अब ये गेम है, या तो आपका इनकम 15,000 है और आप इसको खर्चे को कम करो, पहले 5 लीटर दूध आता था, आप बोलो 1 लीटर में गुजारा करो, जो पहले उठेगा वो चाय पिएगा, बाकी सब पानी पिएगा। ऐसा ऐसा सेटिंग करना पड़ता है, सब्जी बड़ी महंगी हो रही है, आज से अब आचार के साथ खाओ, अब तेल महंगा हो रहा है, आचार की जगह क्या नमक डालो गया, अब वो 2 रुपए का काम वो 100 रुपया हो गया। देखिए खर्चे पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तुम एक को बचाओगे वो दूजा, वो तो बाजार तरक्की करता है, खर्चे को ये कोई टेंशन ही नहीं है कि तेरी हालत क्या है, वो तू दे, तेरा प्रॉब्लम है, वो तो वो बोल रहा है मैं तो बढ़ूंगा, जैसे जो हो सके कर ले। अब 2 गेम है, अब जिस घर में पहले 2 लीटर दूध आता हो, या बीवी को हर महीने तू 5,000 रुपया देता था यूज करने का, बोलेगा कि अब मेरी अपने को खर्चे को कम करना है, तू 2.5 में सेट कर, क्या होगा मुर्गे से, क्या होगा बम फटेगा, पहले तो हिम्मत ही नहीं होगी बात करने। अब तुम्हारे को फैसला है कि तकलीफ तो होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगा, वहां भी होगा, हर तरफ तेरा ही जलवा होगा, गाना है ना, यहां से वहां जाना है तकलीफ होगी, यहां से यहां आना तकलीफ, अब कौन सी तकलीफ, अगर आप ये तकलीफ को पालते हो तो इस यहां पहुंच गए तो खुशी है, ये तो पहुंच भी गए तब भी दुखी है, क्योंकि मैं मेरे अपने लोगों को मैं अगर उनको कॉम्प्रोमाइज सिखाऊं तो मन में दुख तो होगा ना, जिसको अच्छा लगता है
और 90% पीपल हैव वन पेचेक माइंडसेट। 90% गरीब लोगों का दिमागी माइंडसेट होता है कि एक चेक ही, एक इनकम होता है उसका पास एक, और एक इनकम वाला आदमी कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जितने भी अमीर लोग हैं उसके मल्टीपल इनकम है। और याद रखिए, सेकंड इनकम तुम्हारा सिक्योरिटी है, पहला इनकम तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं है। नौकरी कर रहे हो वो तुम्हारी पहली इनकम है, लेकिन जो 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप काम करोगे, असली सिक्योरिटी तुम्हारी वो है जो 6 से 11 आप काम करोगे, ठीक है। ऑक्सीजन आपको मौका देती है कि आप वो सेकंड इनकम को खड़ा कर सकते हो। यस, वो मौका देती है आपको, लेकिन क्या आप काम करने के लिए तैयार है? तो आप सोचिए, आप सोचिए कि आपका जो भी पगार आता है, घंटे उड़ गया, 0-0 का टेंशन नहीं, लेकिन आप ऑक्सीजन में काम करके सिर्फ 10,000 कमाए। बड़ा बात नहीं करना, अभी बड़ा बात नहीं है, छोटा छोटा बात करते हैं। सिर्फ 10,000 रुपये अगर आपने बचा लिया और 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, 10 साल के लिए, 10 साल आपने कुछ नहीं, आपका 10 ही कमाया, ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, टेंशन नहीं। आप 10,000 रुपये भी अगर रेगुलरली अगले 10 साल तक हर महीने सेविंग करते हो, कोई बता सकता है ये कितना पैसा हो जाएगा? मुझे लग रहा है ये करोड़ों में पहुंच जाएगा, कम से कम 1 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक्स्ट्रा इनकम ही तुम्हें आजादी मिला। 10 साल के बाद तुम फुल टाइम नौकरी छोड़ दो तो भी तुम्हारी इनकम सेट है, लेकिन 40 साल तुम लगे रहे मुन्ना भाई, लेकिन तुम मुन्ना भाई नहीं बन सकते। बिजनेस में एक एडवांटेज है टैक्स का। आप नौकरी में अगर आपका तनख्वाह बढ़ गया, 1,00,000 रुपया हो गया, तो आपको जान के बता दो कि 33% इनकम टैक्स है, मतलब 33,000 रुपया कोई कौन आवाज करिया वगैरह चुपचाप अभी देवाना। लेकिन अगर बिजनेस में मेरे को 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो मैं सरकार को बोल सकता हूं लीगली कि सर मैंने टाई पहनी, ये टाई 2,000 की है, खर्चा माइनस करो, माइनस सूट माइनस करो, सर 2,500 का लिखो माइनस, मैं होटल में मस्त होटल में रहा बोला माइनस, खाना खाया माइनस, जितने मजे किए सारे खर्चे माइनस, अब बचा कितना बोला 10 लाख, आ इस पे टैक्स भर दो। जो बिजनेस के अंदर आपको खर्चे क्लेम करने का परमिशन मिलता है, लेकिन नौकरी में आप खर्चे क्लेम नहीं कर सकते। नौकरी में ज्यादा मोटी सैलरी का मतलब सरकार से सीधी पार्टनरशिप। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सारा जो टैक्स बढ़ते हैं ना वो गरीब लोग ही बढ़ते हैं, अमीरों को रास्ते मालूम। जैसे बिजली में इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़ लगा दिया, तो बिजली का इनकम टैक्स फ्री है, वो लगाएगा इसी जगह, भरेगा ही नहीं। समझो आप लोग इतने क्रिएटिव, थैंक्स आप लोग दिस तरह। बहुत सारे लोग अपने जीवन में खुद का कंट्रोल चाहते हैं। आपका क्या कंट्रोल है? हर व्यक्ति आजादी चाहता है लेकिन नहीं है, मिल नहीं सकता, वो तो आप बेच दिए 10-20 हज़ार। आजादी चाहिए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको हर किस्म की आजादी मिलेगी, और ये आपके अंदर बदलाव। अगर आप ऑक्सीजन को 4-5 साल, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ मुर्गेश को, कि 15 साल पहले कैसा दिखता था, मेरे पास आज भी उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, तेरा फोटो है मेरे पास 20 साल पहले का। वो बारडोली में एक होटल थी तुलसी में, लाल चेयर, वो चेयर भी मेरे को याद, लाल कलर की चेयर पे बैठते थे वो। संजय को भी मैं जानता हूँ, मुकेश, ये लड़के जितने भी लोगों की जो होस्टिंग कर रहा था उन सबको मैं जानता हूँ कि वो पहले कैसे दिखते थे। अगर कोई पुरानी तस्वीर मिल जाए तो खुद को भी हंसी आ जाए, आइटम होता हूँ फिल्म मेरे पास अभी टाइम नहीं, बाकी मेरा भी दिखा देता मैं 30 साल पहले मेरा कैसा था, नोबडी कैन ट्रस्ट। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप धीरे धीरे देखो, बाहर की खूबसूरती के लिए तो हम प्रोडक्ट देते ही आपको,
कॉस्मेटिक का आइटम तो है, लेकिन अंदर की खूबसूरती के लिए भी हम आपको एजुकेशन देते हैं और आपके अंदर इतने बदलाव आएंगे, आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी सेलिंग, आपका बोलचाल करने का तरीका, टीम बिल्डिंग, रिलेशन, गोल, कॉन्फिडेंट, ओवरकम, ये सारे आपके अंदर खून संपन्न हो जाएंगे जो पैसों से कई गुना कीमती है, कई गुना कीमती है। और आप ये अमूल्य चीज लेके आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते, या आपको इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि आपको अमीर होना ही पड़ता है। बिजनेस में जब आप शुरू करोगे तो शुरू में आपका टाइम लगेगा इतना हो सकता है, लेकिन पैसा है इतना, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि टाइम दो रुपये पैसा आता है। ये 5 साल का गेम है टोटल, ठीक है। और ये बिजनेस पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, ठीक है। और देखिए, इस संसार में 4 किस्म के लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर, कोई कैटेगरी नहीं है। एम्प्लॉय का मतलब तुम एक नौकरी, तुम्हारे पास एक नौकरी है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब तुम अपनी नौकरी के मालिक हो। अगर मेरी कोई छोटी सी दुकान है, वो कहता तो है कि मेरा बिजनेस है, एक्चुअली में वो बिजनेस नहीं है, वो एक अपनी ही दुकान का नौकरी कर रहा है। क्या वो 10 दिन की छुट्टी ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन बिजनेस वो है जो सिस्टम डालता है, बिजनेस वो है जो सिस्टम डालता है और जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट करता है। और ये राइट का गेम हो गया, ये लेफ्ट का गेम हो गया। फैसला आपको करना है कि आपको लेफ्ट में रहना है कि राइट में रहना है। और पृथ्वी के ऊपर 95% लोग, 95% लोग इस तरफ है। और आपको लगता है कि नहीं सर, मेरा जन्म चाहे यहाँ पे हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं तो यहाँ जाऊंगा और इस साइड में आ जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मुझे आज तक किसी ने ये समझाया नहीं और मैं जानता नहीं था, इसलिए सर मैं फैसला करता हूँ कि मैं लेफ्ट से आप राइट की तरफ आऊंगा। और मात्र डायरेक्ट सेलिंग आपको ऐसा लगता है जो आप चाहे नौकरी करते 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 धीरे धीरे आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, पर यहाँ से कैसे खेलने का उसका सेमिनार अलग होगा, वो सेमिनार अलग है, वो तो पर्सनल काउंसिलिंग ही रहता है। क्योंकि ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर की बात है। अब आप फैसला करें कि मुझे, और आपको जान के बता दूं कि 95% लोगों के पास 5% दौलत है, कितनी? 5%। और 5% लोग इधर है, उनके पास दौलत कितनी है? अब फैसला करें तुम्हें किधर रहना है, लेफ्ट में कि राइट में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। जैसे आपकी इनकम 10,000 है तो आप नौकरी कंटिन्यू करें, 6 से रात को 11 बजे तक काम करें, और जिस दिन आपका फुल टाइम का इनकम और पार्ट टाइम का इनकम बराबर हो जावे तो फिर फुल टाइम को बाय बाय बोलिए और फुल टाइम आ जाइए ये बिजनेस में और पार्ट टाइम मजे कीजिए। फिर 3 से 5 साल काम कीजिए और फुल टाइम मजे कीजिए, पार्ट टाइम सेमिनार करिए। यही बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और यहां से यहां आने का चांस मिलता है। आपकी कोई दुकान है या छोटा मोटा बिजनेस है आपका, तो आप यहां पे हो, तो यहां से आप यहां आ सकते हो। हाँ, रातों रात नहीं होगा। जो भी व्यक्ति ये फैसला कर रहा है तो इस फैसले के साथ न चलो शैम्पू लेके देखते हैं, साबुन लेके देखते हैं, साबुन शैम्पू तो आता रहेगा, झाग निकलता रहेगा। आप इस एक वचन के साथ आइए कि मुझे, जिसने ये फैसला किया कि मुझे कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपना नाम करना है, अच्छी करियर बनाना है, एक कमिटमेंट लेके आइए कि कम से कम मैं खुद को 1 साल का चांस दूंगी या दूंगा। क्यों? क्योंकि 25,000 की नौकरी के वास्ते आप 25 साल पढ़ाई करते हो, तो अगर आपकी सोच लाखों कमाने की है तो कम से कम 1 साल तो हमारे साथ रहो धंधे को समझने के लिए। बहुत बड़ा खेल है ये, आपको समझ आ रहा है? तो ये वचन के साथ आना, पूरे कमिटमेंट के साथ आना कि
कि मैं एक साल के लिए सीखूंगा, मेहनत करूंगा, धंधे को समझने की कोशिश करूंगा। और दूसरा एक सवाल आप सोचिए, अगर मुझे अभी कर्ज लग जाना है, अगर मुझे अभी प्यास लग गई, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं पीऊंगा तो क्या होगा? अगर मुझे नींद आ रही है और मैं नहीं सोऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं 3 दिन नहीं सोया तो मैं पागल हो जाऊंगा। 3 दिन क्या, 1 दिन में, और 7 दिन में तो पूरा कंट्रोल जीरो हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक रूम के अंदर कुछ लोगों को, तो 10वें दिन के बाद वो जिंदा लोगों को खाने लगे। नींद इतनी जरूरी है। अगर मुझे कट लग जाए और खून निकलने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास, क्योंकि ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या पैसे कमाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बचानी है, अर्जेंसी है, जिंदगी बचानी है। तो क्या जिंदगी बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? और आपने वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसीलिए आप भुगत रहे हो जो आपका भी जीवन है, उसी का परिणाम है, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो रहे। पैसे कमाना एक सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर आप नहीं कमाओगे तो आप तो दुखी रहोगे, पूरे परिवार को भी दुखी रखोगे, क्योंकि आपने इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया, आपने जीवन को सीरियसली नहीं लिया, जीवन आपको नहीं लेता। हाँ, एक और लास्ट में बात, कि आप जब फैसला करो तो ये मत सोचना कि बिजनेस कैसे होगा, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, ये टेंशन सिस्टम का है, ये टेंशन, ये जो है, जो फ्रंट में लोग बैठे आपको धीरे धीरे गाइड करें कैसे होगा, ये टेंशन नहीं है। टेंशन एक चीज का लेना है कि क्यों करना है, करना क्यों है, आपके सपने क्या है, आपके ड्रीम क्या है, आपकी जरूरियात क्या है, ये सोच के आप बिजनेस करोगे, कैसे करोगे, ये टेंशन लिया तो आप इसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये टेंशन ले ले कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिली तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक बार पढ़ तो ले, नौकरी मिल जाएगी, चिंता क्यों करता है? क्योंकि 5% जो किधर है, इनको नौकरी चाहिए, इनके लोगों को नौकरी देंगे उधर, ये बिजनेस है उधर, ठीक है। आज आप फैसला लीजिए कि आप किस तरीके से जीवन को आगे व्यतीत करना चाहते हैं, एक फैसला कीजिए, और जो लोगों ने आपको इनवाइट किया है आप उनको सामने से बोलिए थैंक यू, क्योंकि आपने उसको लाखों के लायक समझा, वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर किया, और फैसला करके आगे बढ़िए, और कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके आइएगा, ताकि इस गेम को आज बारडोली में जो बिजनेस हुआ है शुरुआत, उसका आप पूरे विश्व में फैला सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।